सीखो और कमाओ, अपनी पहचान बनाओ। देवताओं के वास्तुकार, दिव्य तकनीक जानकार, विश्वकर्मा जी की तरह कौशल के गुण पाओ। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से स्किल चमकाओ। ये विश्वविद्यालय हरियाणा और इस क्षेत्र के युवाओं को बदलती हुई नेचर ऑफ जॉब के मुताबिक स्किल ट्रेनिंग का काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में कौशल भारत मिशन की जो परिकल्पना की, उसको पंख लगाने का श्रेय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के प्रारूप को हरियाणा के दुधाला गांव की 82 एकड़ की जमीन पर तैयार किया जा रहा है। यहां कैंपस की विश्व स्तरीय और आधुनिक परिकल्पना को साकार करने के लिए निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिसका निरीक्षण कुलपति महोदय अपनी टीम के साथ समय समय पर करते रहते हैं, ताकि निर्माण कार्य सही और समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके। यहाँ एक तरफ तो एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और लाइब्रेरी का निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल्स, स्टाफ क्वार्टर्स, हेल्थ सेंटर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी जोरों से चल रहा है। वर्तमान में गुड़गांव से संचालित हो रहे श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का उद्देश्य कार्य क्षेत्र में शैक्षणिक और कौशल प्रशिक्षण का विकास करते हुए रुचि आधारित शिक्षा देना है। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, इसका एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, वो ये है कि हमारी जो शिक्षा नीति है, हमारी जो प्रणाली है, हमारा जो मॉडल है, हमने जो जिस प्रकार से सिस्टम और प्रोसेसेस को डिज़ाइन किया है, वो इस प्रकार की पेडागोजी को प्रमोट करता है जहाँ पे एक स्टूडेंट को न केवल क्लास की थ्योरी बल्कि वर्क जो इंडस्ट्री के अंदर है उसको भी उसमें इंटीग्रेट किया गया है। अनुभवी नेतृत्व ने गहरी सोच और शोध को आधार बना शुरू में ही हरियाणा के हर जिले की युवा शक्ति से यूथ इंस्पिरेशन स्टडी कर स्किल डिमांड और उससे जुड़े कोर्स बनाने के लिए लगभग 400 कंपनियों के साथ गहन विवेचना करने के बाद एक ऐसे मॉडल की परिकल्पना की जो कई वर्षों से चली आ रही शिक्षा और उद्योग की मांग के बीच की दूरी को पाटने में कारगर सिद्ध हो रहा है। आज विश्वविद्यालय ने 2 साल के कम समय के अंदर करीब 31 प्रोग्राम्स, जिसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, अपने युवाओं के लिए तैयार किया है। और आज विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 1000 बच्चे रेगुलर प्रोग्राम्स में शिक्षा पा रहे हैं और करीब 3000 से भी ज़्यादा युवा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स के अंदर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज बेशक विश्वविद्यालय की कामयाबी ने अपना परचम लहराना शुरू कर दिया है, लेकिन इसकी डगर आसान न थी, क्योंकि जब इस जिम्मेदारी के लिए कुलपति महोदय का चयन किया गया तो ये एक परिकल्पना मात्र थी और इसे धरातल पर उतारना उनके लिए बड़ी चुनौती। कौशल विश्वविद्यालय के काम को गति देने में औद्योगिक क्षेत्र के सकारात्मक सहयोग ने खास भूमिका निभाई है। इनमें हीरो मोटर कॉरपोरेशन, आनंद ग्रुप, GNG ग्रुप, JBM ग्रुप, इक्विया कंपनी, कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी और बीकानेर वाला का सहयोग विशेष रूप से सराहनीय रहा है। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी एंड ग्रुप्स लाइक JBM ग्रुप कोलैबोरेट टुगेदर एंड कम विद प्रोग्राम्स। सो ऐसे प्रोग्राम्स में हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, चाहे हम वो बैचलर प्रोग्राम्स हो या मास्टर प्रोग्राम्स हो, एंड हम लोग चाहते हैं कि पीपल एंड यूथ ऑफ आर स्टेट ऑफ हरियाणा have such good potential which can be harnessed well. So when we look at tool and die making, robotics, automation, industry 4.0, big data, it has a fantastic scope. आज यूनिवर्सिटी इंग्लिश के क्लासेस हमारे इन बच्चों के लिए कंडक्ट कर रही है, जो कि किसी भी इंजीनियरिंग में नहीं होता। तो ये रिलेशनशिप एक पेपर रिलेशनशिप से कहीं ऊपर है। ये हमारा कहीं डिस्कशन में नहीं था कि वो इंग्लिश सिखाएंगे, पर वो सिखा रहे हैं। चौतरफा सहयोगात्मक माहौल मिलने से विश्वविद्यालय के सदस्य युवाओं को उद्योगों के अनुरूप कुशल बनाने के इस अनूठे प्रयोग के दौरान
गहन चिंतन कर निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इसमें जहां एक तरफ प्रशिक्षित एवं विख्यात शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है, वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा भी इनका हुनर निखारा जाता है। ये विश्वविद्यालय लगभग 1000 छात्रों को विभिन्न सेक्टर्स में प्रशिक्षित कर रहा है। छात्र हित में समय समय पर अभिभावक और शिक्षक की मुलाकातें सुनिश्चित करने वाला ये विश्वविद्यालय एक संगम की भांति है, जिसमें ज्ञान, कौशल और संस्कार के मिलन से युवाओं के भविष्य को निखारा जा रहा है। अब मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरा बेटा इस यूनिवर्सिटी की बदौलत उनका अपॉइंटमेंट हीरो कंपनी में हुआ है। हीरो कंपनी उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देगी, साथ में उनको खर्चा भी देगी। आने वाले समय में बच्चा मेरे पर डिपेंड ना होकर के अपना खर्चा खुद उठाएगा और आगे पढ़ाई करेगा। मैं इस यूनिवर्सिटी का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जो हमारे बच्चे बेरोजगार घूमा करते थे, आज वो एक अच्छी शिक्षा ले रहे हैं इस विश्वविद्यालय के द्वारा। उनकी पढ़ाई में आधुनिक तकनीकों के समावेश के साथ साथ उनको लक्ष्य एवं परिणाम आधारित परीक्षाओं के माध्यम से हर चुनौती के लिए तैयार किया जाता है। Earn while you learn, यानी पढ़ते पढ़ते कमाई वाला ये विश्वविद्यालय विपणन, कपड़ा, मोबाइल, आईटी, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में बढ़ती मांगों को ध्यान में रखते हुए युवाओं के कौशल को निखारता है और साथ ही हरियाणा के कलात्मक क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को भांपते हुए वनचारी की लोक कला पर आधारित कोर्स भी शुरू कर चुका है। हमने वनचारी को अपनी एक प्राथमिकता देते हुए वनचारी के ऊपर ही हम लोगों ने वनचारी लोक ग्रंथ बनाया, जिसमें करीब 800 से भी ज्यादा लोक गीतों को हमने संग्रह किया और संग्रह करने के बाद इसके ऊपर एक पाठ्यक्रम बनाया। और आज अपने वनचारी तथा आसपास के युवाओं के लिए वनचारी के आर्ट एंड फोक के ऊपर ही हम लोगों ने एक डिप्लोमा प्रोग्राम बनाया। ये सच है, क्योंकि जब नेतृत्व की नियत और नीति सकारात्मक हो तो उससे चहुमुखी विकास नए आयाम छूने लगता है। इसका उदाहरण है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन और सहयोग से बने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को थोड़े से समय काल में विभिन्न सर्वोच्च पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। इनमें वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस द्वारा बेस्ट इंस्टीट्यूशनल अवार्ड फॉर इनोवेटिव पेडागॉजी, इंडियन एजुकेशन अवार्ड फॉर स्किल लर्निंग, स्कॉच अवार्ड फॉर ड्यूअल एजुकेशन मॉडल, एसोचैम बेस्ट इंस्टीट्यूशन अवार्ड फॉर इट्स इनोवेटिव स्किल मॉडल मुख्य हैं। और इनके अलावा कुलपति महोदय को इनोवेटिव लीडर अवार्ड भी मिल चुका है। इस कौशल विश्वविद्यालय को इतने कम समय में स्थापित और प्रतिष्ठित करने में जो कौशल दिखाया गया है, उसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राज नेहरू जी और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के मिशन को साकार करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के सहयोग से देश की युवा पीढ़ी को कौशल में निपुण बनाने में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जिस जज्बे और सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहा है, उसे देखकर विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में कुशल भारत, विकसित भारत, स्किल्ड भारत का बोलबाला रहेगा, क्योंकि विद्यार्थियों के विश्वास और कौशल का पर्याय है ये श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय।